तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आ करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था। अरे सुन, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट का है कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, अगला बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा, जो अगला बार होगा जब गणना, तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जाति आधारित कर देंगे तो एक एक चीज का रिपोर्ट आएगा, धीरे धीरे और घटेगा। ये बड़ी खुशी की बात है ना, तो ये जो हम लोग करा दिए। अब इन आंकड़ों से हमने शुरू में कहा था इसकी पुष्टि हुई है, और अति अति यदि पत्नी मैट्रिक पास है तो देश में उसका प्रजनन दर 2 था। अब बिहार में भी कोई भी लड़की अगर मैट्रिक पास थी तो पता चला कि उसका भी 2, लेकिन अगर इंटर पास है तो देश में था 1.7, और हम लोगों के यहां बिहार में 1.6 ही हमको रिपोर्ट मिला। तो इतनी हमको यूरेका की भावना, इतनी खुशी हुई थी कि भाई हम लोग तेजी से इस काम को कराएंगे, और उसी का नतीजा है कि अब आप 2.9 पर पहुंच गए। और नीचे जाइएगा, सभी सभी समाज की बात नहीं, होबे करेगा, धीरे धीरे होगा ना। अरे तो अभी जो हो रहा है सबका आ रहा है, चिंता मत करिए ना, तो धीरे धीरे बाकी सबको पढ़वाइए ना। अरे वो तो सबको सुनो ना, बैठन बैठन, अरे बढ़ेगा धीरे धीरे घटेगा, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, चिंता मत करिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है।